गुड मॉर्निंग बच्चों, अभी हम लोग शेल द यूनिट ऑफ लाइफ को देखा। उसमें जो क्वेश्चन आए हुए थे प्रीवियस ईयर के, क्वेश्चन 10 ईयर का, वो हम लोगों ने सॉल्व किया और वो यूट्यूब पर पड़ा हुआ है बेटा। उसे आप देखते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और बच्चों से अपने दोस्तों को ये ज़रूर बताते रहिए, जिससे उनको भी कुछ एडवांटेज मिल जाए इस चीज़ का। तो आइए हम लोग बेटा इसके बाद न्यू चैप्टर देखते हैं, जिसको हम लोग कहेंगे बायो मॉलिक्यूल्स। तो बायो मॉलिक्यूल्स में कुछ बड़ा अच्छे क्वेश्चन हैं, उन्हीं को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो आइए बायो मॉलिक्यूल्स का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। ठीक है, तो ये जो सोल्यूशन अभी हम लोग तैयार करने चल रहे हैं, ये क्या है? बायो मॉलिक्यूल्स का। तो जो बायो मॉलिक्यूल्स होंगे, इनमें देखिए द फिगर गिवन बिलो शो द कन्वर्जन ऑफ सब्सट्रेट इनटू प्रोडक्ट। तो सब्सट्रेट इनटू प्रोडक्ट एंड द एंजाइम, इसका मतलब बेटा ये होता है कि जब सब्सट्रेट को कन्वर्ट करेंगे प्रोडक्ट में, तो इसको क्या चाहिए? इसको चाहिए एंजाइम। ठीक है, एंजाइम का जानते हैं क्या मेन काम होता है। एंजाइम का मेन फंक्शन होता है, ये क्या करेगा, रिड्यूस द या लोअरिंग ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। कौन सा एनर्जी? एक्टिवेशन एनर्जी को ये कम कर देता है। एक्टिवेशन मतलब कौन सी एनर्जी हो गई, इसके वर्किंग एफिशिएंसी को, ये जो जो एंजाइम तेजी से काम कर रहा था उसको क्या करेगा, ये तेजी से किसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि जो सब्सट्रेट को तेजी से किस में कन्वर्ट करेगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, तो आइए इसमें देखते हैं, इस फिगर में यहाँ से बेटा ये इधर ये प्रोग्रेशन ऑफ द रिएक्शन होगा, यहाँ पर ये हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। तो बी वाला जो कंपोनेंट होगा वो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी। ये जो स्टेज आएगी, इस स्टेज को हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। दिस स्टेज नोन एज द ट्रांजिशन स्टेट। बेटा ट्रांजिशन का मतलब ये हो गया कि इसके बाद अब धीरे धीरे क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। पहले रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा, फिर रेट ऑफ रिएक्शन धीरे धीरे क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। तो देखिए, फिर अब यहाँ पर देखिए दो कंडीशन है, तो सी और डी। तो जो सी है, इसका मतलब कि यहाँ पर एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी क्या है, लोअरिंग हो रही है। तो एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी विथ एंजाइम, तो यहां पर क्या हो जाएगा, एक्टिवेशन एनर्जी विथ एंजाइम, ये क्या हो जाएगा, विदाउट एंजाइम हो जाएगा। एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम, तो बिना एंजाइम के प्रेजेंस में ये क्या करेगा, ये एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा लेगा, मतलब कि ट्रांजिशन स्टेट में जाएगा। ट्रांजिशन स्टेट में ऑलरेडी जाएगा ही जाएगा, बट ये क्या करेगा, ये देखिए यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा यूज होगी, मतलब कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, स्लो हो गया। अब इसको क्या करने के लिए, जैसे मान लीजिए कि हम लोग एक एग्जांपल को समझते हैं, मान लीजिए कि कोई लंबी कूद है, लंबी कूद हाई जंप जिसको हम लोग बोलते हैं। हाई जंप में क्या होता है भाई, हाई जंप में क्या किया, हमने हाइट ऊपर कर दी। अगर हमने हाइट ऊपर कर दी तो इधर से लड़का या बंदा कोई कूद रहा है, इधर की ओर जा रहा है, तो जो बहुत लंबे हो गए वही जा पाएंगे, मतलब कि जो सब्सट्रेट है वो प्रोडक्ट में कम कन्वर्ट होगा। अगर हम इसको क्या कर दें, इसको कम कर दें, तो क्या हो जाएगा, बहुत से लोग इसको क्रॉस कर जाएंगे, मतलब कि सब्सट्रेट तेजी से किस में कन्वर्ट होगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। तो सब्सट्रेट बेटा प्रोडक्ट में तेजी से कन्वर्ट हो, इसीलिए क्या यूज किया जाता है, एंजाइम। एंजाइम का मेन फंक्शन क्या है, लोअरिंग ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी को कन्वर्ट कर देना, एक्टिवेशन एनर्जी को रिड्यूस कर देना है, जिसके कारण इसकी एनर्जी, इसकी सब्सट्रेट कन्वर्ट हो जाएगा तेजी से किस में, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसका ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, यहाँ पर थ्री ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एंजाइम, आर करेक्ट। किसके बारे में, एंजाइम के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट, एंड वन इज द रॉन्ग। अच्छा, इसमें पूछ रहा है कि कौन रॉन्ग है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा एंजाइम रॉन्ग है। एंजाइम आर डीनेचर्ड एट हाई टेम्परेचर, एकदम सही है। एंजाइम को अगर बेटा क्या करेंगे, एंजाइम एक प्रोटीन है, अगर हम इसे क्या करेंगे, हाई टेम्परेचर देंगे, मान लीजिए 100 डिग्री सेल्सियस दिया, तो ये क्या हो जाएगा, अपने स्पेसिफिक फंक्शन को छोड़ देगा, मतलब कि डीनेचर्ड हो जाएगा। एक वर्ड आता है बेटा आप ध्यान में रखना, जो एंजाइम होते हैं इसमें दो वर्ड होते हैं, एक क्या होता है डीनेचुरेशन, और दूसरा होता है इनएक्टिवेशन। मतलब बेटा डीनेचुरेशन में क्या हो जाएगा, डीनेचुरेशन हाई टेम्परेचर पर हो जाएगा,
हाई टेम्परेचर का मतलब 100 के डिग्री के आसपास, अगर 100 डिग्री सेल्सियस पर जो एंजाइम होगा अपनी एक्टिविटी को, अपने फंक्शनल एक्टिविटी को लॉस कर देगा तो उसे हम लोग डीनेचर्ड बोलेंगे। अगर वो क्या किया जाए, उसे हम लो टेम्परेचर पर रखें तो वो कहाँ चला जाएगा, इनएक्टिवेशन पीरियड में चला जाएगा, मतलब कि फंक्शनल एक्टिविटीज जैसे ही उसको फिर ऑप्टिमम चीज़ आप देंगे, ऑप्टिमम एक्टिविटीज देंगे, ऑप्टिमम टेम्परेचर देंगे, ऑप्टिमम पीएच देंगे, वैसे फिर से क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। तो इनएक्टिवेशन का मतलब क्या हो गया, लो टेम्परेचर पर होना है, और डीनेचुरेशन कहाँ पर होना है, हाई टेम्परेचर पर होना है। तो यहाँ पर देखिए, बट इट इन सर्टेन एक्सेप्शनल ऑर्गेनिज्म विच आर इफेक्टिव इवन एट द टेम्परेचर 80 to 90 डिग्री सेल्सियस। बट 80 to 90 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं लाइक द आर्की बैक्टीरिया हाई टेम्परेचर पर सर्वाइव करता है। क्यों भाई सर्वाइव करता है, इसलिए सर्वाइव करता है क्योंकि वो उसके अंदर मॉडिफिकेशन हो जाता है सेल मेम्ब्रेन में, सेल वॉल में, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाते हैं, चेंजेज हो जाते हैं, चेंजेज हो जाने के कारण वो क्या करेगा, वो सर्वाइव कर सकता है। तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट नहीं है, ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, करेक्ट है। लेकिन हमसे पूछ क्या रहा है, रॉन्ग स्टेटमेंट पूछ रहा है। एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक, एकदम बेटा सही है ये, एंजाइम हाईली स्पेसिफिक होता है। सारे एंजाइम सारे जगह काम नहीं करेंगे, वो हाईली स्पेसिफिक होगा। मोस्ट एंजाइम्स आर प्रोटीन, ये स्टेटमेंट एकदम सही है, मोस्ट एंजाइम्स आर प्रोटीन, बट सम आर द लिपिड, ये बेटा गलत हो गया। कोई ऐसा लिपिड नहीं है जो प्रोटीन जैसा बिहेव करे। इसका मतलब ये स्टेटमेंट यहाँ पर क्या हो गया, गलत हो गया। गलत क्यों हो गया, क्योंकि ये लिपिड हो गया। एंजाइम्स रिक्वायर ऑप्टिमम पीएच फॉर द मैक्सिमम एक्टिविटीज, हाँ सही है। ऑप्टिमम पीएच कुछ भी आप दोगे बेटा, जो ऑप्टिमम कंडीशन पर होगा वहाँ पर एंजाइम की एक्टिविटीज क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। तो ये स्टेटमेंट भी सही है हमारा। तो हमसे क्या पूछ रहा है, ये रॉन्ग स्टेटमेंट पूछ रहा है, इसीलिए ये हो जाएगा। ठीक, आंसर बेटा क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए, आइए देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ टू ऑर्गेनिक कंपाउंड इज करेक्टली आइडेंटिफाई अलॉन्ग विद द रिलेटेड फंक्शन। अच्छा देखो, इसमें लिखा हुआ है बेटा, ये फास्फोलिपिड है, लेसिथिन है, फास्फोलिपिड या लेसिथिन है, ये वाला लेसिथिन है, बी बेटा एडनिन है, बी वाला क्या है, एडनिन है। आइए ऑप्शन मैच कराते हैं, ये लेसिथिन है और ये एडनिन है। तो पहला एडनिन, बी एडनिन है, और न्यूक्लियोटाइड दैट मेक अप द न्यूक्लिक एसिड, बेटा देखने में तो सही लग रहा है क्या, यहाँ पर देखो, बट यहाँ पर देखो जो एडनिन होता है ये न्यूक्लियोटाइड नहीं है बेटा, ये नाइट्रोजनस बेस होता है। एडनिन इज अ नाइट्रोजनस बेस, नॉट अ न्यूक्लियोटाइड। क्यों, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड के 3 कंपोनेंट होंगे। न्यूक्लियोटाइड के बेटा कितने कंपोनेंट होंगे, 3 कंपोनेंट होंगे। फर्स्ट हो जाएगा नाइट्रोजन बेसिस हो जाएगा, पेंटोज शुगर हो जाएगा, शुगर होगा, एंड बेटा क्या होगा, फास्फोरिक एसिड होगा। तो इसलिए ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। ए ट्राइग्लिसराइड है, नो बेटा, ट्राइग्लिसराइड में सिंपल, यहाँ पर देखे, यहाँ पर फास्फेट ग्रुप है ना ये, तो किसी भी फास्फेट ग्रुप में, ट्राइग्लिसराइड में केवल दो चीज होगा, देखो क्या, ये बेटा हमारा ग्लिसराल हो गया, और हम लोग 3 मॉलिक्यूल फैटी एसिड को बाइंड करते हैं। फैटी एसिड का मतलब क्या हो गया, HOOC R1 HOOC R2 HOOC R3, ठीक है। अब बेटे यहाँ पर क्या करेंगे, H मॉलिक्यूल इसका क्या हो जाएगा, H इसका OH ये निकल जाएगा, वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाएगा। बट यहाँ पर कौन सा ग्रुप जुड़ रहा है, फास्फेट ग्रुप जुड़ रहा है, तो ये ट्राइग्लिसराइड का स्ट्रक्चर मैंने बनाया, तो ट्राइग्लिसराइड बेटा ये नहीं हो सकता है, ये भी कट गया। बी यूरेसिल नहीं है, हमेशा बेटा याद रखना यूरेसिल पर मेथिल ग्रुप प्रेजेंट होगा, हमेशा बेटा याद रखना यूरेसिल पर, यूरेसिल और थायमिन में केवल एक चीज का डिफरेंस है कि जो यूरेसिल होता है उसमें मेथिल ग्रुप नहीं होता है, जो थायमिन होता है बेटा, सारी जो थायमिन होता है उस पर क्या पाया जाएगा,
उस पर पाया जाएगा मेथिल ग्रुप। यूरेसिल, और यूरेसिल का मतलब क्या हो गया, जैसे हम लोगों ने ये लिया, ये देखिए ये पिरामिडिन हो गया, यहाँ पर दूसरे पर ऑक्सीजन पाया जाएगा, चौथे पर ऑक्सीजन ग्रुप पाया जाएगा, ठीक। अगर यही यही थायमिन होता तो यहाँ पर क्या हो जाता, मेथिल ग्रुप। तो अल्टीमेटली ऑक्सो ग्रुप है यहाँ पर, इसमें नहीं है, इसलिए ये आंसर क्या हो जाएगा, कट जाएगा। लेसिथिन कंपोनेंट, हाँ ये ठीक है बेटा, ये लेसिथिन है कंपोनेंट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, किसी भी सेल मेम्ब्रेन का, किसी भी सेल मेम्ब्रेन में लेसिथिन पाया जाएगा। जैसे एल्विलाई की वॉल है, एल्विलाई वॉल लेसिथिन पाया जाता है। लेसिथिन क्या करता है, सर्फेक्टेंट जैसा काम करता है। सर्फेक्टेंट का मतलब बेटा क्या हुआ, सर्फेक्टेंट का मतलब क्या होता है, ये एल्विलर वॉल को कोलैप्स होने से बचाता है, एल्विलर वॉल को कोलैप्स होने से बचाता है। तो आंसर हमारा कौन सा करेक्ट हो गया, फोर्थ आंसर करेक्ट हो गया। द कर्व, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस। तो बेटा जो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस है, यहां पर देखो वाई एक्सिस पर एंजाइमेटिक एक्टिविटीज होंगी, और यहां पर बेटा या तो टेम्परेचर होगा या तो पीएच होगा। आइए देखते हैं, एक्स एक्सिस पर बेटा टेम्परेचर है, हाँ एक ही है ऑप्शन, ये हो जाएगा, क्योंकि एक्स एक्सिस पर या तो बेटा टेम्परेचर है या तो पीएच है, और ये ऑप्टिमम टेम्परेचर पर वर्क करेगा, और यहां पर कौन वर्क करेगा, एंजाइमेटिक एक्टिविटीज वर्क करेगी। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, हमारा सेकेंड हो जाएगा। कोई डाउट हो तो नहीं है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ द मोनोसैकेराइड फॉर्म द सुक्रोज। सुक्रोज बेटा किसका बना होता है, सुक्रोज में दो चीज होती है, सुक्रोज क्योंकि डाइसैकेराइड है तो ये बना होता है ग्लूकोज का एंड बेटा फ्रक्टोज का, ठीक है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। देखो जो ग्लूकोज होता है ये सिक्स कार्बन का होता है, जब बेटा सिक्स कार्बन का, और ये हमेशा याद रखना बेटा ये अल्फा फॉर्म में जनरली होता है और ये बीटा फॉर्म में होता है, अल्फा फॉर्म बीटा फॉर्म समझ में नहीं आया तो हम लोग ये देख लेते हैं पहले। ये देखो बेटा एक कार्बन, ये पहला कार्बन हो गया, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन, और ये हो गया हमारा छठा कार्बन। तो मतलब 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। बेटा यहाँ पर क्या होगा, H और OH होगा। अगर OH ग्रुप ये बेटा नीचे की ओर है तो ये अल्फा फार्म होगा, कौन सा फार्म होगा, अल्फा फार्म। इसको क्या बोलते हैं, इसको अल्फा पायरानोज बोलते हैं, क्या बोलेंगे, अल्फा पायरानोज। अगर इसी ऑप्शन, इसी क्वेश्चन को या इसी को हम लोग यहां पर क्या कर दें, OH कर दें, यहां पर ये कर दें तो ये बीटा पायरानोज होगा, क्या होगा, बीटा पायरानोज। तो अल्टीमेटली बेटा यहां पर जो ये फॉर्म होगा ग्लूकोज वो कौन सा फॉर्म होगा, अल्फा फॉर्म होता है ग्लूकोज, बेटा कौन सा फॉर्म होगा, अल्फा फॉर्म होगा। अब फ्रक्टोज की बात करते हैं तो फ्रक्टो फ्यूरानोज होता है, फ्यूरानोज का मतलब बेटा क्या होता है, ये जो साइकिल में बेटा पाई फाइव कार्बन का हो जाएगा। जैसे हम लोग ये देख सकते हैं कि जब इसका रिंग बनेगा ये कुछ ऐसा बनेगा, तो यहां पर ये जब भी बेटा पाया जाएगा किस फॉर्म में पाया जाएगा, बीटा फॉर्म में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, मैच कराते हैं, अल्फा डी बेटा, अल्फा डी सॉरी बीटा डी, बीटा डी हो नहीं सकता इसलिए ये गलत हो गया। यहां पर अल्फा डी है ये सही है, यहां पर बीटा डी है ये सही है, अल्फा डी बेटा अल्फा डी सही है लेकिन यहां पर क्या है, अल्फा डी है, तो दोनों अल्फा डी होंगे ये सही नहीं है, दोनों बीटा हैं ये भी सही नहीं है। तो अल्टीमेटली हमारे पास आंसर बेटा कौन सा करेक्ट हुआ, अल्फा डी ग्लूको पायरानोज। पायरानोज का मतलब आप समझ पा रहे हैं, सिक्स कार्बन का, पायरानोज का मतलब क्या हो जाएगा, सिक्स कार्बन, सिक्स कार्बन विथ, अब क्योंकि अल्फा है तो OH कहां होगा, नीचे होगा, और बीटा है तो OH ऊपर की ओर होगा, क्लियर। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ द बेसिक अमीनो एसिड। बेसिक अमीनो एसिड का स्ट्रक्चरल फार्मूला हमको देखना है। बेटा देखो एक छोटा सा कंपोनेंट समझो कि एसिडिक बेसिक, और इसका पूरा एक कंसेप्ट मैं आपको समझा दूं। जैसे हम लोग ये जानते हैं कोई भी अमीनो एसिड होता है उसमें दो ग्रुप बेटा जरूर होते हैं, एक जैसे कार्बन हो गया, ये चार ग्रुप हैं, एक H होता है
दूसरा बेटा आर होगा, आर मतलब एल्किल ग्रुप होगा, और ये सी ओ ओ एच होगा या एन एच टू होगा। तो ये किसी भी क्या हो जाएगा, अमीनो एसिड में पाया ही जाएगा। अगर बेटा मान लो कि इसके प्लेस पर, आर के प्लेस पर एक बेटा सी ओ एच ग्रुप और आ जाए, अगर ये यहाँ पर जैसे मान लीजिए ये सी एच थ्री था, इसको बेटा ये हम लोग इसको कन्वर्ट कर दें सी एच टू सी ओ ओ एच में, तो क्या हो जाएगा, क्योंकि एक एसिड ग्रुप पहले से था, एक एसिड बाद में आया, क्योंकि दो एसिड हो गया, इसका मतलब कि ये अमीनो एसिड कैसा हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। तो यहाँ पर बेटा देखो एक एसिडिक ग्रुप है, एक एसिड ग्रुप यहाँ और आया, एक एसिडिक ग्रुप यहाँ और आया, लेकिन ये गलत है, गलत क्योंकि बेटा कार्बन की वैलेंसी कभी भी पाँच होगी ही नहीं, 1 2 3 4 बेटा ये और ये 5, तो ये आंसर वैसे भी गलत हो गया, ये एसिडिक भी नहीं है। यहाँ पर देखो यहाँ पर सी ओ एच है, यहाँ पर ओ एच है, इसका मतलब ये एल्कोहलिक अमीनो एसिड है, ये कौन सा है एल्कोहलिक अमीनो एसिड, वो भी न्यूट्रल अमीनो एसिड, लाइक द बेटा सेरीन, यहाँ पर सी ओ एच है, यहाँ पर एन एच टू है, बट बेटा यहाँ पर कोई सी ओ ओ एच ग्रुप नहीं है, मतलब ये भी गलत है। अब अगर हमें पूछ क्या रहा है बेटा बेसिक अमीनो एसिड, अगर हम लोग बेसिक अमीनो एसिड की बात करें, इसका मतलब कि बेसिक अमीनो एसिड में क्या होना चाहिए, किसी भी बेसिक अमीनो एसिड में दो अमीनो ग्रुप होना चाहिए। मैं बेटा इसको लिख करके समझाता हूँ आपको, देखिए सी ये एच, ये आर हो गया, ये एच हो गया, ये एन एच टू हो गया, और ये सी ओ ओ एच हो गया, ठीक। अब आर के स्थान पर जैसे यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक एन एच टू आ जाए, इसके प्लेस पर बेटा क्या हो जाएगा, एक एन एच टू बढ़ जाए, एन एच टू का मतलब बेटा ये पहले एल्किल ग्रुप होगा उसके बाद एन एच टू ग्रुप होगा, अगर एक एन एच टू ग्रुप और आ जाए तो डाई अमीनो हो जाएगा, इसका मतलब बेटा कौन सा ग्रुप बढ़ गया, एच डी ग्रुप, बेसिक ग्रुप बढ़ा। तो जब बेसिक ग्रुप बढ़ेगा तो हम लोग इसमें मैच करा लें, एक देखो एक अमीनो ग्रुप ये है, दूसरा अमीनो ग्रुप ये है, इसलिए ये बेटा क्या हो जाएगा, इसका कौन सा ऑप्शन है, डी, डी जो होता है ये बेसिक अमीनो एसिड होता है। बेसिक अमीनो एसिड में तीन एग्जांपल आपको याद रखने हैं, या बेटा हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि जो बेसिक अमीनो एसिड हैं उसको आप ऐसे याद रखेंगे, लाभ मतलब कि लाइसिन आर्जिनिन बेसिक होता है एंड हिस्टिडिन, लाइसिन आर्जिनिन बेसिक होता है एंड बेटा हिस्टिडिन, ये तीनों क्या होते हैं, बेसिक होते हैं, क्लियर। विच वन ऑफ द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द एनिमल वर्ल्ड, बेटा आंसर रडा रडाया है, कोलेजन प्रोटीन, सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एनिमल में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा हो जाएगा, कोलेजन प्रोटीन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिगर हाइपोथेटिकल टेट्रापेप्टाइड, चार पेप्टाइड दिए गए हैं, पोर्शन विथ पार्ट लेवल ए एंड डी करेक्टली आप सी, इजा बेटा एरोमेटिक अमीनो एसिड, ये ट्रिप्टोफैन, नो बेटा यहाँ पर ट्रिप्टोफैन नहीं है, ये सी नहीं है, सी गलत हो गया, ये टायरोसिन हो सकता है या सॉरी फेनिललाइनिन हो सकता है, ए इज द सी टर्मिनल, नो ये बेटा एन टर्मिनल होना चाहिए, डी इज द एन टर्मिनल, गलत, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ए इज अ सल्फर, ए इज अ सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड मेथियोनिन, बेटा यहाँ पर कहीं सल्फर दिख रहा है क्या, ए में कहीं सल्फर ग्रुप दिख रहा है, नहीं, इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, गलत, डी इज द एच डी अमीनो एसिड, डी इज द एच डी अमीनो एसिड, बेटा यहाँ पर देखो यहाँ पर सी ओ ओ एच ग्रुप यहाँ पर होगा, यहाँ पर एक अमीनो एसिड, एक कार्बोक्सिल ग्रुप और है, एक कार्बोक्सिल ग्रुप और आया, तो कितने कार्बोक्सिल ग्रुप आए, दो कार्बोक्सिल ग्रुप आया, अगर बेटा दो कार्बोक्सिल ग्रुप होगा तो ये कैसा हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा, इट मीन्स ये ग्लूटामिक एसिड है, और ये क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। तो इसका कंसेप्ट जानिएगा, रडिएगा मत, क्या कंसेप्ट है, अगर दो कार्बोक्सिल, किसी अमीनो एसिड में दो कार्बोक्सिल ग्रुप आ रहे हैं, इट मीन्स क्या हो जाएगा, वो एसिडिक हो जाएगा, अगर दो अमीनो ग्रुप आ रहे हैं तो इट मीन्स बेसिक हो जाएगा। और एसिडिक अमीनो एसिड के दो एग्जांपल आपको पढ़ने हैं, ग्लूटामिक एसिड एंड एस्पार्टिक एसिड, दोनों में नाम पहले ऑलरेडी लिखा है, एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड, ठीक। आगे, विच इज द रॉन्ग अबाउट एंजाइम, एंजाइम के बारे में कौन सा रॉन्ग स्टेटमेंट है, एंजाइम आर प्रोटीन, ये सही है बेटा, एकदम 100% सही है, बट सम आर लिपिड आल्सो, ये पीछे क्वेश्चन किया था, यही स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, बाकी ये क्वेश्चन हम लोग पीछे कर चुके हैं, ठीक है, चल तो आंसर यही सही हो जाएगा, क्योंकि ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर ऑफ द
सब्सट्रेट फॉर्म ड्यूरिंग एन एंजाइमेटिक रिएक्शन। ट्रांजिशन स्टेट कब बेटा बनेगा, ट्रांजिशन स्टेट का क्या होता है, तो ट्रांजिशन स्टेट ट्रांजिट स्टेज होता है एंड बेटा अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल का मतलब कि अगर एंजाइम दे देंगे तो क्या हो जाएगा, वह जिस फॉर्म में, जैसे एंजाइम हो गया, रिएक्ट किया सब्सट्रेट से, एंजाइम रिएक्ट किया सब्सट्रेट से, तो ये बनाएगा क्या, एंजाइम सब्सट्रेट प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बेटा बनाता है। और फिर इसके बाद यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से एंजाइम निकल जाएगा, ये बनेगा प्रोडक्ट, यहाँ से प्रोडक्ट बड़ा कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब कि जो सब्सट्रेट था, हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि जो एंजाइम है सब्सट्रेट के साथ मिल करके क्या बना देगा, प्रोडक्ट बना देगा। ठीक, तो प्रोडक्ट बनाने तब तक वो उससे क्या होता है, जुड़ा रहता है। जब प्रोडक्ट बन जाता है तो एंजाइम अलग हो जाता है। तो इसी को जब तक जुड़ा रहता है वो क्या होता है, वो ट्रांजिशन स्टेट कहलाएगा। और वो अनस्टेबल होता है क्योंकि उसको किस में कन्वर्ट होना होता है, प्रोडक्ट में। प्रोडक्ट कैसा होता है, तो इसका मतलब कि हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ द मेनी को एंजाइम्स आर, बेटा आप एक छोटा सा पॉइंट याद रख लो, को एंजाइम्स आर मेनली विटामिन्स या ऑफन विटामिन्स। को एंजाइम्स आर ऑफन, को एंजाइम्स बहुधा या ऑलवेज कह लीजिए क्या माना जाता है, विटामिन्स होगा। तो आइए ये क्वेश्चन बेटा हो गया हमारा। मोस्ट अबंडेंट इंट्रासेलुलर कैटायन, बेटा इंट्रासेलुलर अगर ये एक्स्ट्रा होता तो ये हो जाता, इंट्रा है तो ये हो जाएगा इंट्रासेलुलर। अब आप कहोगे सर कैटायन, कैटायन बेटा एसायन, मतलब कैटायन का मतलब क्या हो जाएगा, प्लस चार्ज वाले। तो अल्टीमेटली बेटा क्या हो जाएगा, इंट्रासेलुलर पोटेशियम आयन हो जाएगा। माइक्रो मालिक्यूल इज अ काइटिन, माइक्रो मालिक्यूल काइटिन इज, काइटिन क्या होता है, एक टाइप का पॉलीसेक्राइड है। काइटिन क्या होता है, पॉलीसेक्राइड है। और पॉलीसेक्राइड वो भी क्या होगा, काइटिन नाइट्रोजन कंटेनिंग होगा, नाइट्रोजन कंटेनिंग। देखो सिंपल पॉलीसेक्राइड नो, गलत है ये, नाइट्रोजन कंटेनिंग पॉलीसेक्राइड ये सही है, फास्फोरस कंटेनिंग पॉलीसेक्राइड बेटा ये गलत है, सल्फर कंटेनिंग ये गलत है। तो नाइट्रोजन कंटेनिंग जो पॉलीसेक्राइड है वो क्या हो जाएगा, काइटिन। काइटिन कहाँ पाया जाएगा, काइटिन पाया जाता है सेल वॉल ऑफ फंजाई एंड एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स, एक्सोस्केलेटन ऑफ द आर्थ्रोपोड्स। तो आंसर बेटा हमारा मिल चुका है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ फास्फोग्लिसराइड इज ऑलवेज मेड अप ऑफ, फास्फोग्लिसराइड बेटा बना किसका होता है, ऑलवेज मेड अप ऑफ अ सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड एस्टरीफाइड विद फास्फेट ग्रुप व्हिच इज आल्सो अटैच्ड टू अ ग्लिसराल मॉलिक्यूल। फिर देखिए ओनली अ सैचुरेटेड फैटी एसिड, देखो बेटा पहला क्या था, अनसैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड फैटी एसिड एस्टरीफाइड टू अ फास्फेट ग्रुप, नो बेटा यहां पर ये गलत है, फास्फेट ग्रुप गलत है, क्योंकि एस्टरीफाइड किसके साथ होता है, वो ग्लिसराल के साथ होता है, एस्टरीफाइड फास्फेट के साथ नहीं होता। यहां पर जो गलत स्टेटमेंट है वो क्या है, ये फास्फेट ग्रुप है, बाकी स्टेटमेंट एकदम करेक्ट लिखा गया है। ओनली अ सैचुरेटेड फैटी एसिड एस्टरीफाइड टू अ ग्लिसराल मॉलिक्यूल व्हिच अ फास्फेट ग्रुप इज आल्सो अटैच्ड, ओनली अ सैचुरेटेड, बेटा यहाँ पर जो गलत है वो ये है, ओनली जो टर्म है ये गलत कर रहा है, क्यों, क्योंकि केवल और केवल सैचुरेटेड फैटी एसिड बाइंड होगा, ये सही नहीं है, ये स्टेटमेंट गलत है। तो ये पहला स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट गलत, ओनली अ अनसैचुरेटेड ये भी गलत हो गया बेटा। यहाँ पर क्या सही होगा, अ सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड फैटी एसिड एस्टरीफाइड टू अ ग्लिसराल मॉलिक्यूल, हाँ टू विच अ बेटा फास्फेट ग्रुप इज आल्सो अटैच्ड, ये स्टेटमेंट सही है। तो मैं इसको आपको, चलिए मैं इसको एक फिगर के फॉर्म में समझा दूं। देखिए जैसे ये हमारा ग्लिसराल हो गया, अब केवल बेटा यहां पर जो, क्योंकि ये जो फास्फोग्लिसराइड्स होते हैं, फास्फोग्लिसराइड होते हैं ये
कॉम्प्लेक्स या कंजुगेट लिपिड होते हैं, कंजुगेट लिपिड होते हैं, सिंपल लिपिड नहीं होते। सिंपल लिपिड का मतलब ट्राइग्लिसराइड। इसमें बेटा केवल दो मॉलिक्यूल फैटी एसिड अटैच होगा, दो मॉलिक्यूल फैटी एसिड अटैच होंगे। ये हो गया, ये अटैच हो गया, और एक मॉलिक्यूल बेटा फास्फेट ग्रुप अटैच होगा। एक मॉलिक्यूल क्या अटैच होगा? फास्फेट ग्रुप अटैच होगा, मतलब कि H3PO4। तो पी H3PO4, तो इसका मतलब बेटा पी, ऐसे हम लोगों ने देखा ऐसे हो गया OH OH OH। तो ये फास्फोरिक एसिड है, ये अटैच हो गया तीसरे कार्बन से। तो यहाँ पर क्या लिखा है, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड एसिडिफाइड। और यहाँ पर जो बांड बनेगा बेटा, ये जो इसका OH, इसका OH जो बांड बनाएगा, यहाँ पर ये जो बांड बनाएगा उसको हम लोग ईस्टर बांड बोलते हैं, एस्टरीफाइड टू ग्लिसराल। तो सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल किससे बाइंड हो रहा है? ग्लिसराल से। और विच आल्सो क्या है, फास्फेट ग्रुप इज आल्सो अटैच। यहाँ पर एक ग्रुप क्या हो रहा है, अटैच हो रहा है फास्फेट, एक फास्फेट ग्रुप भी तो अटैच हो रहा है बेटा यहाँ पर। तो ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट। बेटा बहुत सीधी सी बात है, आप एकदम याद कर लो कि कोई भी, आप देखो कोई भी कार्बोहाइड्रेट क्यों ना हो, ये मेरी छोटी बात याद कर लो अपने आप, कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगर कार्बोहाइड्रेट है तो कार्बोहाइड्रेट एक मोनोसैकेराइड होता है, एक बेटा डाइसैकेराइड होता है, और एक पॉलीसैकेराइड होगा। बाकी इसके बीच में ऑलिगोसैकेराइड वगैरह सब आते रहेंगे। तो कोई भी मोनोसैकेराइड क्यों ना हो, सभी मोनोसैकेराइड, ऑल मोनोसैकेराइड्स आर रिड्यूसिंग सुगर्स। ठीक, जितने भी मोनोसैकेराइड्स होंगे सभी रिड्यूसिंग होंगे। अब बेटा मोनोसैकेराइड का एग्जांपल क्या हो गया, ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, गैलेक्टोज हो गया, ये तीनों रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। ठीक, डाइसैकेराइड में चार या तीन होते हैं, जैसे माल्टोज हो गया, गैलेक्टोज हो गया, एंड बेटा सुक्रोज हो गया। ये दोनों तो रिड्यूसिंग होते हैं। कौन दोनों रिड्यूसिंग होते हैं? माल्टोज और लैक्टोज, ये दोनों क्या होते हैं? रिड्यूसिंग होते हैं। सुक्रोज बेटा क्या होता है? नॉन रिड्यूसिंग। सुक्रोज क्या होता है? नॉन रिड्यूसिंग। इसका एक कंसेप्ट आप समझ लो फिर। और पॉलीसैकेराइड, जितने भी पॉलीसैकेराइड्स होते हैं सब नॉन रिड्यूसिंग होते हैं। एक छोटा सा कंसेप्ट समझ लो कि कोई भी मोनोसैकेराइड होगा उसका जो फंक्शनल ग्रुप होगा, अगर फंक्शनल ग्रुप फ्री है तो वो रिड्यूसिंग होगा, अगर फंक्शनल ग्रुप किसी से बाइंड हुआ तो नॉन रिड्यूसिंग हो जाएगा। फॉर एग्जांपल बेटा जैसे ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, ग्लूकोज में क्या हो जाएगा, फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड हो जाएगा, फ्रक्टोज में क्या हो जाएगा, कीटोन हो जाएगा। तो ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये दोनों क्या होंगे, फ्री होंगे। जब भी फ्री फंक्शनल ग्रुप होगा तो रिड्यूसिंग हो जाएगा। अगर नॉन रिड्यूसिंग की बात करें, अब आप जैसे सुक्रोज में कर रहे हैं, तो सुक्रोज में क्या हो जाएगा, सुक्रोज में बेटा एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का बना है और एक मॉलिक्यूल ये किसका बना है, फ्रक्टोज का बना है। तो ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन, फ्रक्टोज का सेकंड कार्बन, ये दोनों आपस में बेटा बाइंड हो जाते हैं और इसका फंक्शनल ग्रुप बचता नहीं है, फ्री फॉर्म में नहीं रहता है, इसीलिए यह क्या हो जाएगा, नॉन रिड्यूसिंग। क्लियर कंसेप्ट हो चुका होगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, सुक्रोज हो जाएगा। सेलेक्ट द ऑप्शन विच इज नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू एंजाइम एक्शन। एंजाइम एक्शन के लिए कौन सा स्टेटमेंट नॉट करेक्ट है? सब्सट्रेट बाइंड विथ एंजाइम एट इट्स एक्टिव साइट, ये एकदम सही है। सब्सट्रेट जब भी बड़ा क्या हो जाएगा, एंजाइम से बाइंड होना है, जैसे ये एंजाइम हो गया तो ये एंजाइम का कौन सा साइट होगा, एक्टिव साइट होगा, और यहाँ पर सब्सट्रेट क्या हो जाएगा, जाके बाइंड होगा। ये एंजाइम हो गया, ये सब्सट्रेट हो गया, उस पर जाके बाइंड होगा, एकदम सही स्टेटमेंट है। एडिशन ऑफ लॉट ऑफ द सक्सिनेट डज नॉट रिवर्स द इनहिबिशन ऑफ सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज बाई माइलोनेट। बेटा डज नॉट नहीं, नॉट मतलब यहाँ पर क्या है, नॉट गलत है, ये रिवर्स हो जाएगा। अगर हम बेटा क्या करते हैं, अगर हम लोग सक्सिनेट के अमाउंट को बढ़ाते जाएंगे, सक्सिनेट के अमाउंट को बढ़ाते जाएंगे तो अल्टीमेटली क्या होता जाएगा,
ये रिवर्सिबल हो जाएगा। तो ये आंसर हमारा क्या हो गया, गलत हो गया, नॉट करेक्ट। अ नॉन कम्पिटेटिव इनहिबिटर बाइंड द एंजाइम एट अ साइट डिस्टिंक्ट फ्रॉम, ये भी सही है बेटा। ये मेलोनेट इज ए कम्पिटेटिव इनहिबिटर, आप ये भी सही है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। कम्पिटेटिव इनहिबिशन द इनहिबिटर मॉलिक्यूल इज नॉट केमिकली चेंज बाय द एंजाइम, बेटा एकदम सही है, ये सही हो गया। द कम्पिटेटिव इनहिबिशन डज नॉट इफेक्ट द रेट ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ द एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स, ये भी सही है बेटा। द प्रेजेंस ऑफ द कम्पिटेटिव इनहिबिटर डिक्रीज द केएम वैल्यू ऑफ द सब्सट्रेट, नो नो नो, डिक्रीज नहीं करेगा बेटा, यहां पर क्या होगा, इंक्रीज करेगा, यह स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया। अ कम्पिटेटिव इनहिबिटर रिएक्ट विद रिवर्सिबली विद एंजाइम टू फॉर्म अ, बेटा ठीक है। तो यह हमारा क्या हो जाएगा, आंसर थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, काइटिनस एक्सोस्केलेटन ऑफ द आर्थ्रोपोड्स आर फॉर्म बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ, तो बेटा अभी कुछ देर पहले मैंने आपसे डिस्कस किया, एन एस्टिल क्या हो जाएगा, एन एस्टिल ग्लूकोसामीन हो जाएगा, जिसको हम लोग एन ए जी बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स डज नॉट हैव अ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, कौन सा फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड नहीं बनाएगा। तो सीधी सी बात है बेटा, डज हैव अ फॉस्फोडाइस्टर, सॉरी बेटा, डज हैव पूछ रहा है किसके पास फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होगा। देखो फैटी एसिड और ग्लिसराइड के बीच में ईस्टर बॉन्ड होगा, इसलिए यह गलत हो गया। मोनोसेक्राइड इन अ पॉली, यहाँ पर बेटा ग्लूकोसिडिक बॉन्ड होगा, ठीक। अमीनो एसिड में पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड होगा, बचा क्या, न्यूक्लिक एसिड इन अ न्यूक्लियोटाइड, किसी दो न्यूक्लियोटाइड को कनेक्ट करना, दो न्यूक्लियोटाइड को कनेक्ट करना, वो क्या कहलाएगा, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कहलाता है। दो न्यूक्लियोटाइड को कनेक्ट करना क्या कहलाएगा, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कहलाएगा। तो आंसर बेटा हमारा कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, कौन सा रॉन्ग स्टेटमेंट है। सुक्रोज इज अ डाइसेक्राइड, एकदम सही है, अभी कुछ देर पहले बताया। सेलोज इज अ पॉलीसेक्राइड, ये भी सही है। यूरेसिल इज अ पिरिमिडिन, ये भी सही है। अब आप देखो, जैसे जो जो भी डाइसेक्राइड है, हमारे पास डाइसेक्राइड कितने हैं, हम लोगों के पास डाइसेक्राइड तीन थे, एक हो गया क्या माल्टोज, दूसरा हो जाएगा लैक्टोज और तीसरा हो जाएगा सुक्रोज, ठीक। ये डाइसेक्राइड हो गया। पॉलीसेक्राइड क्या क्या हो सकते हैं, पॉलीसेक्राइड बेटा दो हो सकते हैं, या तो होमो पॉलीसेक्राइड होगा, नहीं तो हेट्रो पॉलीसेक्राइड होगा। अल्टीमेटली जो चार पांच नाम है वो आप जानते रहो, जैसे सेलुलोज हो गया, स्टार्च हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, इनुलिन हो गया, इंसुलिन नहीं लिख रहा हूं बेटा, इनुलिन है ये, ठीक है ना। तो ये सेलुलोज हो गया, स्टार्च हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, काइटिन हो गया, ये सब क्या होते हैं, ये सब पाली सेक्राइड है। अब यूरेसिल इज अ पिरिमिडिन, अब देखो पिरिमिडिन के तीन पार्ट होते हैं, कि पिरिमिडिन के तीन कंपोनेंट होते हैं, या तो साइटोसिन है, या तो यूरेसिल है, या तो थायमिन है। यूरेसिल किस में पाया जाएगा, आरएनए में, यूरेसिल पाया जाएगा आरएनए में, थायमिन पाया जाएगा डीएनए में। तो अल्टीमेटली बेटा आप ये भी स्टेटमेंट हमारा सही है, ग्लाइसिन इज अ सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, नो बेटा, ग्लाइसिन इज द सिंपलेस्ट अमीनो एसिड बट नॉट सल्फर कंटेनिंग। सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड कौन कौन है, मेथियोनिन है, सिस्टीन है या सिस्टाइन है। तो सिस्टीन इसमें बेटा कहीं पर भी सल्फर कंटेनिंग नहीं है, ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, अ टिपिकल फैट मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ, फैट का मतलब बेटा किसका बना होना, थ्री मॉलिक्यूल फैटी एसिड, वन मॉलिक्यूल क्या ग्लिसराल, तो तीन मॉलिक्यूल फैटी एसिड, एक मॉलिक्यूल ग्लिसराल, आंसर मैच करा लीजिए, वन मॉलिक्यूल ग्लिसराल एंड थ्री मॉलिक्यूल फैटी एसिड, तो ये हमारा आंसर करेक्ट हो गया। नॉन प्रोटीनिशियस एंजाइम इज, बट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन एक्सेप्ट राइबोजाइम, जो राइबोजाइम होता है ये किसका बना होगा, आरएनए का,
जितने भी एंजाइम होते हैं सब प्रोटीन के बने होते हैं, बट राइबोजाइम एंजाइम किसका बना है? राइबोजाइम एंजाइम बना है आरएनए का, आरएनए न्यूक्लिक एसिड है, ठीक है, और वो भी क्या 23 sRNA होता है। तो अल्टीमेटली आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? फोर्थ हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट लाइकली, यहां पर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है वो ये है, लीस्ट लाइकली टू बी इन्वॉल्व इन स्टेबलाइजिंग द थ्री डायमेंशनल फोल्ड ऑफ मोस्ट प्रोटीन। हाँ ठीक है, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, ये सही है। बट ये ईस्टर बांड प्रोटीन को कहाँ स्टेबलाइज करेगा? ईस्टर बांड तो कहाँ पाया जाता है? फास्फेट में पाया जाता है ना, वो प्रोटीन को कहाँ पर करेगा? इसका मतलब ये गलत हो गया। हाइड्रोजन बांड पाया जाता है, ये सही है। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन, ये भी सही है। तो अल्टीमेटली हमारा आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ईस्टर बांड। क्यों? क्योंकि लीस्ट लाइकली पूछ रहा है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द ग्राफ करेक्टली, हाँ ठीक है, ये देखिए, ये एंजाइम के प्रेजेंस में हो रहा है, ये एंजाइम के बिना हो रहा है। तो जब बेटा एंजाइम के प्रेजेंस में होगा तो वहां पर क्या होगा? हीट निकलेगा, तो इसका मतलब हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? फोर्थ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन विथ एनर्जी ए इन द प्रेजेंस ऑफ द एंजाइम एंड बी इन द एब्सेंस ऑफ द एंजाइम, ठीक है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? फोर्थ हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विथ रेफरेंस टू एंजाइम, एंजाइम के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? चलिए देखते हैं। एंजाइम में जो कंप्लीट पार्ट होता है उसको बोलते हैं हम लोग होलो एंजाइम। इसके दो पार्ट होते हैं, ठीक, एक होता है प्रोटीनिशियस पार्ट, इस प्रोटीनिशियस पार्ट को हम लोग बोलते हैं बेटा ये एपो एंजाइम, ठीक है। दूसरा होता है नॉन प्रोटीनिशियस पार्ट, इस नॉन प्रोटीनिशियस पार्ट को हम लोग बोलते हैं कोफैक्टर, और कोफैक्टर के तीन पार्ट होते हैं, एक तो हो गया प्रोस्थेटिक ग्रुप, दूसरा हो गया कोएंजाइम, और तीसरा हो गया मेटल, ठीक। ये ऑर्गेनिक है, ये भी ऑर्गेनिक है, बाकी ये तो आपको पता ही है इनऑर्गेनिक है। ये बेटा टाइटली बाउंड विथ एपो एंजाइम, ये एपो एंजाइम से टाइटली बाउंड होता है और ये लूजली बाउंड होता है। तो आइए देखते हैं, मैच कराते हैं। होलो एंजाइम में क्या हो गया? होलो एंजाइम हो गया एपो एंजाइम एंड कोएंजाइम, एपो एंजाइम एंड कोएंजाइम, ये एपो एंजाइम और ये क्या हो जाएगा? कोएंजाइम। ये अभी स्टेटमेंट हमें करंट दिख रहा है, कोएंजाइम इक्वल्स टू एपो एंजाइम प्लस होलो एंजाइम, ये स्टेटमेंट गलत हो गया बेटा। होलो एंजाइम कोएंजाइम प्लस कोफैक्टर, कोएंजाइम नहीं, इसके साथ साथ बेटा एपो एंजाइम तो होना ही चाहिए था, एपो एंजाइम एंड कोफैक्टर होता तो सही, ये भी स्टेटमेंट सही हो जाता, एपो एंजाइम ये गलत हो गया। तो आइए आंसर बेटा कौन सा करेक्ट हुआ? फर्स्ट आंसर हमारा, यहाँ से फर्स्ट आंसर क्या हो गया? करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट पॉलीमेरिक, कौन सा बेटा पॉलीमर नहीं बनाता है? बहुत बार पूछा जाता है पॉलीमर कौन नहीं बनाता है, तो देखो जो प्रोटीन है, प्रोटीन इज आल्सो पॉलीमर, किसका? अमीनो एसिड का। पॉलीसेक्राइड इज अ पॉलीमर ऑफ मोनोसेक्राइड, मोनोसेक्राइड। लिपिड डू नॉट फॉर्म पॉलीमर, न्यूक्लिक एसिड इज अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, तो आंसर क्या हो जाएगा? लिपिड। तो ये अमीनो एसिड का पॉलीमर है, ये मोनोसेक्राइड का है, और ये न्यूक्लियोटाइड का है या न्यूक्लियोटाइड्स का है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? थर्ड। टू फंक्शनल ग्रुप कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द शुगर, शुगर का जो बेटा दो फंक्शनल ग्रुप होते हैं उनको आपको डिफाइन करना है, तो कैसे? पहला देखिए, हाइड्रोक्सिल एंड बेटा मिथाइल ग्रुप, कार्बोनिल एंड फास्फेट ग्रुप, कार्बोनिल एंड मेथिल ग्रुप, कार्बोनिल एंड बेटा हाइड्रोक्सिल ग्रुप। देखो आपको पता है, हम लोग ये जानते हैं किसी भी शुगर में
कार्बोनिल का मतलब क्या हो सकता है? कार्बोनिल का मतलब हो गया कीटोनिक ग्रुप हो गया। हाइड्रोक्सिल ग्रुप का मतलब क्या हो सकता है? OH ग्रुप होगा या तो CHO ग्रुप होगा। ये ग्रुप दो ग्रुप होते हैं, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये फोर्थ आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा, ये स्टेटमेंट फोर्थ हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड इज द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ द लेसिथिन। लेसिथिन में बेटा क्या, अभी कुछ देर पहले आपने बताया लेसिथिन में किसका, या लेसिथिन किसका बना होता है, फास्फोलिपिड का, किसका बना होता है, फास्फोलिपिड, क्योंकि लेसिथिन इज अ लिपिड और ये सेल मेम्ब्रेन में पाया जाता है। तो आंसर हमारा सेकंड सही हो गया। अब देखो बेटा प्रोस्थेटिक ग्रुप डिफर फ्रॉम कोएंजाइम। देखो प्रोस्थेटिक ग्रुप भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, कोएंजाइम भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। ये एपोएंजाइम से, एपोएंजाइम का मतलब प्रोटीनिशियस पार्ट से, प्रोटीनिशियस पार्ट से ये टाइटली बाउंड होता है, एपोएंजाइम लूजली बाउंड होता है। आइए देखते हैं, दे रिक्वायर मेटल आयन फॉर देयर एक्टिविटी। नो बेटा ये नहीं, दे मतलब प्रोस्थेटिक ग्रुप आर टाइटली बाउंड टू द एपोएंजाइम, ये स्टेटमेंट करेक्ट दिख रहा है। फिर देयर एसोसिएशन विथ एपोएंजाइम इज ट्रांजिएंट। नो बेटा टाइट, क्योंकि ये टाइटली बाउंड होता है। दे कैन सर्व एज अ को फैक्टर इन अ नंबर ऑफ एंजाइम कैटलिस्ट एज अ रिएक्शन। नो, तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, सेकंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कौन से स्टेटमेंट सही है, कोएंजाइम या मेटल आयन दैट इज टाइटली बाउंड। बेटा यही गलत हो गया, यहाँ पर टाइटली बाउंड तो होना ही नहीं चाहिए, ये जब भी होगा बेटा कैसा होगा, ये लूजली एसोसिएटेड होगा। इसके अलावा पहला स्टेटमेंट बेटा यहीं पर गलत कर दो आप, अ कंप्लीट कैटलिस्ट एक्टिव एंजाइम विथ इट्स बाउंड प्रोस्थेटिक ग्रुप इज कॉल्ड एपोएंजाइम। नो बेटा, प्रोटीनिशियस पार्ट से होगा तब ये क्या कहलाएगा, एपोएंजाइम कहलाएगा। इसका मतलब ये गलत हो गया, तो हमारा स्टेटमेंट कौन गलत हो गया, ए एंड बी दोनों फाल्स हो गए, ए और बी दोनों क्या हो गए, फाल्स हो गए। कैनावेलिन इज बेटा क्या, लैक्टिन। ये क्या होते हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं, क्या होते हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं। तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में लैक्टिन्स होती हैं, ठीक है। पिगमेंट बेटा है नहीं, पिगमेंट में कौन से होते हैं, तो जैसे एल्कलाइड है, मार्फिन, कोडिन, ये सब हो जाएगा, एसेंशियल आयल है, पॉलीमेरिक आयल हो जाएगा, ये सब बड़ा कुल मिलाकर के हम लोग इसको सेकेंडरी मेटाबोलाइट बोलते हैं। मैच द कॉलम, इनहिबिटर ऑफ कैटालिटिक एक्टिविटीज, तो बेटा ये मैलोनेट हो जाएगा, मैलोनेट हो जाएगा, ठीक है, मतलब पहले का दूसरा। प्रोसेसेस पेप्टाइड बांड, पेप्टाइड बांड किस में पाया जाएगा, प्रोटीन में, कोलेजन हो जाएगा, दूसरे का चौथा। सेल वॉल मटेरियल फंजाई, काइटिन, तीसरे का तीसरा। सेकेंडरी मेटाबोलाइट रेसिन, इसका मतलब कि चौथा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आइडेंटिफाई द बेसिक अमीनो एसिड, या बेसिक अमीनो एसिड के बारे में मैंने अभी बड़ा कुछ देर पहले बताया, ये लाइसिन, आर्जिनिन, हिस्टिडिन। लाइसिन, आर्जिनिन, हिस्टिडिन ये क्या होते हैं, बेसिक होते हैं। टायरोसिन अमीनो एसिड, ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड, फेनाइल एलानिन अमीनो एसिड। टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन, फेनाइल एलानिन ये तीनों एरोमेटिक अमीनो एसिड होते हैं। वायलिन न्यूट्रल होता है। ग्लूटामिक एसिड नाम में लिखा है एसिड, इसका मतलब एसिडिक अमीनो एसिड्स होते हैं, ठीक है। तो बायो मॉलिक्यूल का बेटा हम लोगों ने कंप्लीट किया। थैंक यू वेरी मच।